और ये बयान कर, जादू करने में औरत आदमी दोनों शामिल है क्या, खाली कोई औरता है? औरता है, आदमी भी है क्या उनके साथ? चलो इसको जकड़ के रखो, ना लाया तो उसको जला जला कर राख करने की तैयारी करो। ये अफशा को किस चीज में मिला के खिलाया था दवा? Here you go. आधा आड़ंग दे उनके मुंह मत देखना पीछे वालों के। हाँ, चल रहे हाँ। लगा पूरी ताकत जोर से। हाँ, लगा पूरी ताकत। चल डबल से बयान कर सारे बाता। नजदीक से लाके ले उन्हें बाता बोल रहा। क्या हमरे घुमा पड़े हाँ? अरे उधर नहीं घुमाता। हमारे चेहरे मत ले किसी के। हाँ पूरी ताकत जोर से और जोर से। सताएंगा दोबारा छुकरी को? सताएंगा? नजीक ला रहे के हमारा क्या करूं सुना? सताएंगा? अरे नाम क्या है इसका? अलक्षा खान। अलक्षा खान मंशा बुलाते घर। मंशा को कब मारने का था? डबल से बयान कर। पूनम, कौन सी पूनम वो? अच्छा लक्ष्मी पूनम। अच्छा एक एक सवाल और, इसके बाद किसको मारने का है बच्ची? अफशा के बाद में? मंशा के बाद? कितने महीने कितने साल के बाद? 3-4 साल के बाद। अच्छा माँ को कैसा मारने का? बीमारी डाल के, एक्सीडेंट करके? बीमारी में डाल के। अच्छा माँ के बाद किसको मारने का है? भाई को उसके। अच्छा भाई को कैसा मारने का है? एक्सीडेंट में। उसको कितने साल के बाद? उसके भाई के बाद फिर किसको मारने का है? बड़ी बहन को। अच्छा उसको कैसे मारना है? प्रेगनेंसी में। हाँ कैसे मारना है? प्रेगनेंसी में। अच्छा हमल के दौरान हो गए क्या? और है घर के मेंबर? अच्छा और किसको फिर उसके बाद? नहीं किसको भी नहीं। इतो को मारने का है? अच्छा मैं नाम नहीं पूछा, मैं नाम नहीं पूछा किसने भेजा अभी, खाली मुझे इतना बता वो है किधर के? माँ के खानदान के, इसके बाप के खानदान के या दोस्तान के? अच्छा हाँ एक सवाल, वो लोगों ने जो दवा लाए जादू की तो शमशान से लाए थे कब्रस्तान से लाए थे? अच्छा अच्छा ये सब लोगों को जादू की दवा वो सब खिला के जादू करके कितना वक्त होगा? अच्छा और तूने अब अटैक करा इसके ऊपर डायरेक्ट? अच्छा छुप के बैठा था अंदर? अच्छा अब टाइम करीब आया बोल के सामने जाहिर हुआ? अच्छा अच्छा ये सब लोगों को दवा किस चीज में मिलाकर खिलाए थे? क्या था वो खाना जब जादू करे तो जो खाना खिलाए तो किस चीज में? अच्छा अच्छा तू मरा हुआ इंसान की नस्ल से है क्या, जिन्नात की नस्ल से है क्या, शैतान है के चुड़ैल है, कौन है? कौन है? जिन की नस्ल से है? अभी तक कितने इंसानों को मारा? कितने इंसानों को मारा अभी तक? कितने? बाप का तेरे रात चल रहा था कमी ने? हाँ इतने लोगों को मार दिया, चलो उसको नारा को। अम्मा,
इनकार। जादू करने में औरत आदमी दोनों शामिल है क्या? खाली कोई औरता है? औरता है, आदमी भी है क्या उनके साथ? चलो इसको जकड़ के रखो, ना लाया तो उसको जला जला कर राख करने की तैयारी करो। अफशा को किस चीज में मिला के खिलाए थे दवा? मंशा, मंशा, मंशा को किस चीज में मिला के खिलाए थे दवा? अच्छा, जादू करते टाइम पे मंशा का क्या लेके थे? बाल, चप्पल, कपड़ा, मट्टी क्या लिए थे? अच्छा बाल लेकर गए। अच्छा बाल आदमी ने लिखा क्या औरत ने लिख गई? अच्छा उनका बच्चा भेजे थे। घर पे आएंगा उनके दोबारा? इससे पहले वैसे बोला था, फिर से हुआ? हाँ वैसे बोलता हूँ, अंदर दवा अटके लिए ना उन्होंने बोला खिलाए नहीं, मगर खिला के भेजे अलग। तीन बार बोला वैसे चले जाते चले, बोलता वो जाता हूँ मगर जाता नहीं, स्वास्थ्य नहीं जाता। लोग चिमक का सा लोहे को खींचता वैसा वापिस अंदर की दवा बुलाती उसको खींच के। बोल रहे हैं? चल सब याद करके जब तक इसको जलाने की तैयारी करो, साले को जंजीरा डालो इसको। तोबा तोबा कर, चल मुंह पे हाथा मार दो, तोबा कर जल्दी, दोनों हाथा जोर से मुंह पे मार के तोबा कर। ये ऐसे क्या मार मार के तुम, ये ऐसे अंगूठियां, चूड़ियां, बालियां ये सब पिला के नहीं लाना मेरे सामने, सख्त ना गुस्सा आता मेरे को सब चीज़ा देगा। तोबा कर जोर से, तोबा कर। इतने छोटे छोटे बच्चों को भी सता रहे तुम्हारी मार के सालों, जला। अच्छा 3-4 साल से? अच्छा उसके साथ क्या कर रहा था तुम? बच्चे को कैद करके भागे थे। अच्छा अच्छा तू उसके शरीर में खून भी पी रहा था क्या दांत गड़ा के? हाँ हाँ की तैयारी करो, इसको कमीने को जंजीर डाल और इसकी सारी दवा बाहर निकाल के फेंकने की तैयारी करो। भविष्यवाणी करने आती तुझे दूसरे लोगों के बारे में? हाँ ये पीछे छोकरा ठहरा, इसकी शादी कब होने वाली बोल? भेजे वाला है तुझे, मार दे देना बच्चे को। हाँ मेरे को निकाल देते लेकिन और भेज दे वो भाई आएंगे ना तो टुकड़े कराता हूँ तेरे लिए, उनके भी सिर मार बाप करा। नहीं नहीं मैं निकल गया था, मेरे को भेज दे फिर। बोला नहीं कुछ मारना था, हमला कर देना था उनके ऊपर, ऐसा बेगुनाह लोगों के बच्चों के जान मार लेता वैसा। हाँ क्यों नहीं तूने उसको मारने को गया वापिस जो भेज रहा तुझे? तो जादूगर का सारा जादू लपट के लिए जाके समंदर के अंदर कैद करो नालायक का वो, और जो भी वो जादूगर है उसको फटके दो, सबको फटके दो, हाथा पाँव ढीले कराओ, नालायकों के लोगों को जुलूम दे रहे वो। वक्त मत पूछो और दे आया मुझे क्या करूँ तेरे दोनों हाथ काट के लिए? वो तू घर को जाने के बाद फिर आता, वो लोग बोल रहे ना इससे पहले तू उनके घरों पर आया करते, कितने बार आके सताया। हाँ अब तू क्या मेरे सामने दाल निकलने देता? मैं तुझे अंडर में लेता हूँ ना अभिलाज तेरा, पूरे टुकड़े करा देता हूँ। बोल आएगा तू दोबारा तो क्या गारंटी तेरी?
ला रहे नजदीक, क्या बोल रहा हूँ? हाँ बोल, आईना दोबारा मैंने तेरा क्या भरोसा करो, इतनी हया तक काट डाली है तेरे दोनों भी। इसके हाथों की ताकत खत्म करो इसकी। चल निकल दिखना नहीं मेरे को दोबारा, और तू समझ रहा हूँगा मैं वापिस उनके घर पे आ जाऊंगा, वापिस वो बच्ची को सताऊंगा, सुना रहा? बच्ची गायब है, मैं हूँ ना, सब सब तोड़ता हूँ, सारे कायदा तोड़ देता हूँ। बच्ची गायब है, मर जाते बच्ची, जल्दी कर लो। अब तेरे को छोड़ते नहीं ना हम, अब तेरे को पूरा जला के राख करते ना। चलो इसको जंजीरा डाल के कैद करो और जादूगर का सारा जादू को जकड़ के ले जाके डाल दो नाला, क्योंकि जादू को समंदर के अंदर जाकर कैद कर दो उसको, नहीं तो चौथे आसमान पे उतार दो। चलो इसको भी संसार डाल के कैद करो, बैठ जाओ सब लोग नीचे। क्या हमारा मित्र मार, ये जो मामलात है तो इनको बयान कर रहा था, इन्हें क्या बयान कर रहा था, आवाज से बोलो जोर से जरा, घर पे क्या तकलीफ दे रहा था? घर पे क्या बच्ची नहीं रहती जिंदा, कितना खत्म कर दे। और नामा मामा कुछ बोला, कौन है जैसो? बाजू वाले बोल के बोला, बाजू वाले के भाई सोना तुम्हारे मामू के, भेजे बोल के ऐसा बोल रहा वो। मैं ओरिजिनल नाम आगे पूछूंगा जो सवाल। और दूसरी बात के और क्या तकलीफ कर रहा था? और हमारे घर में कुछ बरकत नहीं, पैसे की बर्बादी, पैसा एकदम। तुम्हारी बच्ची है क्या? हाँ। फिर वो कौन है? ये माँ है, ये सफेद, ये आलू। अच्छा अच्छा, और घर में कुछ दिख रहा बोलते हैं उन लोग? क्या दिख रहा? कोई चीज महसूस हो रही है?
वो तो वो थे ना, वो उन्हें उसका खून पीरा बोला ना उन्होंने। ये जो बला है, ये जो छुड़ियाली है, तो ये कौन से किस्म की है? सब अलग अलग किस्म के बला है। मेरे से तो छुप नहीं सकता, उन्होंने झूठ बोल नहीं सकता, मैं सब मालूम होता क्या भी बोली ना। तो छोटे मोटे इलाज वालों के फिर क्या लेते हैं, उनको बनाते। तो ये जो है तो दांत बाहर निकले आ रहे, पिशाच, उसको हिंदी में उसको पिशाच मराठी में कुछ बोलते हैं, इंग्लिश में वैम्पायर बोलते हैं उसको, और तुम्हारे उर्दू के अंदर खबीस बदमाश। तो वो कौन से किस्म का रहता? वो एक तो काले है कपड़े में, काला झुंपा पहना रहता, दांत बाहर निकले आ रहे, और फीमेल को मेल और मेल को फीमेल लगा के शादी करके छोड़ते। वो आता यूज़ करता लड़कियों को, बच्चों को, जिनको भी लगे आला रहता, फिजिकली टच करता, पूरा मियाँ बीबी की हरकत, एक्स वाई जेड बहुत सारे बातें करता, मैं बयान नहीं कर सकता तुम आपको, तुम सोच भी नहीं सकते। जैसा तुम ऐसा टच कर रहे हाथ को, वैसा पूरा टच करता, जिस सब एक्स वाई जेड बहुत हरकतें करता, और लास्ट में उसको पीछे से दांत गड़ा के गर्दन में से ये कहीं खून पीता जाते वक्त, पेशेंट का आता जाता खेल चल करता, खून जो है उसके बॉडी में का पीता, इसलिए पीता कि वो उसके दांत बाहर निकलते उसकी गजा चो रखे खून। बाद में लास्ट में लड़की को या लड़के को जिसको भी लगे आला है, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल लगाते उसमें से अदल बदल दो किस्म, लास्ट में जान लेके चल जाता सामने मार के, और उसे डरता नहीं, उसे तरीके से जला के रखता ना, मतलब खुद ब खुद नहीं आता हो, उसको बाल ले जाना ही पड़ता अमल करने के लिए, बाल और कपड़ा ले जाके ला के छोड़ते। बोलते ना गंदे अमल कर दिए, गंदे अमल कर, और वो जो भी अमल है वो बहुत गलीज़ और बहुत बदमाश किस्म के रहते हैं, बहुत बदमाश हरकतें करते हैं, चीज़ें आके मैं बयान नहीं कर सकता, मैं प्रैक्टिकल में देखे वाला हूँ, प्रैक्टिकल में तुमको दिखा रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से, बोलते तुमको मालूम, मतलब तुमको प्रैक्टिकल में जो भी दिख रहा है उस पर से तुम अंदाज़ा लगा लो कि क्या क्या होता होगा और क्या क्या रहा। बाकी दूसरों को नहीं समझता, आजू बाजू वाले को नहीं समझता, मैं क्या हरकत कर रहा, क्या टच कर रहा, कैसा आंग पर लौट रहा, चढ़ के बैठ रहा, वो सब उसको समझता पेशेंट को, इसके साथ ये सब हरकतें हो रही। तो इसलिए ही तो तुमको बोले अल्लाह है ना कि इतिहाद बरतो, इबादत के रस्सियों को मजबूती से थामो, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह ताहा, सूरह मुज़म्मिल, सूरह वाकिया, सूरह जिन, सूरह बकरा, क्या क्या नियामतें ने दिया अल्लाह ने तुम्हारे, उसका कलाम ऐसी बरकत वाली चीज़ दिया मोमिनो, उसको पढ़ के उसकी फैज़ हासिल करो। याद रखना कलाम इलाही को अमलियात की नीयत से पढ़े तो मार पड़ती, और इबादत की नीयत से पढ़ो इबादत तुम्हारी चलती रहेगी, दोनों में फ़र्क है। ए आलिम, ए मुफ्ती, ए खारी, ए बुखारी, सुनो गौर से, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम आलिम है, तुम खारी है, तुम मुफ्ती है, तुम बुखारी है, अच्छी बात है, जाओ कुरान को अल्लाह के वास्ते, इबादत के वास्ते पढ़ो और सीखे तुमने, कोई मसला नहीं, कोई तुम्हारे को तकलीफ नहीं होती उसमें, जाओ अमल करने की नीयत से पढ़ो, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। खाली सूरह यासीन को खाली अमल करने की नीयत से पढ़ो, गूंगे हैं चक्कर आना चालू जाए तुम्हारे थोड़ी देर में, अमल की नीयत बोले तो तुम्हारा देखो अल्लाह फरमाता, फिर तुम अमल की नीयत से पढ़ रहे उसको, अल्लाह पे नीयत नहीं है तुम्हारा, तवक्कल नहीं है, तुम अपनी अपनी नीयत से पढ़ो और अपना अपना देखो, फिर शैताना जिन्ना था तुम्हारा सोरा नहीं देते, तुम मार पड़ती, तुम्हारी रूहानी कैफियत नहीं रहती बर्दाश्त करने की, उस हद तक लाया, और तुम्हारी रूहानी बहुत गलीज रहती दुनिया वाले इंसानों, तुम शैतान के साथियाँ हैं, नफसी नफसी करते तुम, जहाँ खूब मैं बयान नहीं कर सकता बहुत सारी बातें, हक़े मारे वाले रहते बहुत सारे राज रहते, वो इस रूहानी लगती पावरफुल जब तुम अमल को बर्दाश्त कर सकते हैं तो पागल हो जाते, अल्लाह ने चुना तो फिर तो वो बहुत बड़ी बात रहती, अल्लाह सबको नहीं चुनता, करोड़ों में एक हमला चुनता, उसकी खिदमतें बंदों की खिदमत खल्क के लिए। अब तुम अगर कुरान को इबादत की नीयत से पढ़ो, मैं बता रहा हूँ तुमको बार बार, तो तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, तुम अमलियात की नीयत से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई उस्ताद नहीं है तुम्हारा, जो तुम्हारे सिर पे हाथ रख के तुम्हारे ऊपर अमल करने से जो भी वारेंगे पलट तो बचेगा नहीं। मैं बता दिया ना, मैं बयान कर दिया ना कि अल्लाह फिर तुम्हारे पे से अपनी नजर करम हटा देता, बोलता भाई मेरे वास्ते थोड़ी पढ़ रहा हूँ मैं कुरान, वो मुफ्ती, वो खारी, वो बुखारी, वो हाफिज, वो अमल करने की नीयत से पढ़ रहा, इसलिए उसका उन्हें देख लेगा तो फिर तुमको मार पड़ती। तुम अल्लाह के वास्ते इबादत करे तो कोई भी कुछ नहीं होता तुम्हारा, कुछ नहीं बाल कोई बात नहीं कर सकता, वो तुम इबादत है। अल्लाह फरमाता फरिश्तों हिफाजत करो मेरे बंदी की, वो मेरा बंदा इबादत कर रहा नहीं, रई के दाने को तुम हथेली में रख के कैसा देखते, फिर अल्लाह वैसा तुम्हारा देखता और तुम्हारी हिफाजत करता और महफूज रखता, और अल्लाह तुमको महफूज करने की नीयत कर ली मुझसे देख रहा तो कसम खुदा की सातों जमीन आसमान में हर चीज़ अल्लाह के हुक्म की गुलामी, कोई तुमको जहमत नहीं दे सकती। तुम दिल के मनमानियाँ करेंगे, वो बोलते ना नीम हकीम खतरे में जान, वैसा तुम नीम हकीम भी खतरे में जान है। परसों मुझे फ़ोन आया,
परसों मुझे फोन आया, बोले कि 80 साल के आलिम साहब है, सब पूरे शहर को पढ़ गली गली जा जा के घर घर बच्चियों को कुरान पढ़ाए, तेलंगाना की रिकॉर्डिंग भी नेट पे डालूंगा, रिकॉर्डिंग को ऐड करा के देखो सुनो, इबरत के वास्ते डाल रहा हूँ मैं ताकि तुमको उस बात में इबरत मिला। तो उन्होंने कोई जिन्नात लेके आए थे बच्चे के आंग में लगा हुआ था, उसको सुबह में दुआ पड़े बोलते, तो असर मगरी है ईशा के वक्त कुछ तो मेरी रिकॉर्डिंग में पागल हो गए, बाद में ऑटोमेटिक उन्होंने पलट के आके उन पर हमला करा। 80 साल के आलिम साहब जिंदगी भर बच्चों को कुरान पढ़ा, इबादत करे, दुआ भी पढ़ते, कैसा क्या पागल हो गए मियां? ओरिजिनल जिन्नात शैतान से तुम नहीं लड़ सकते क्योंकि तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं दिया अल्लाह ने, फिर उस काबिल बनना पड़ता। उस जब चिराग क्या बोलते हो जिंदगी का, तो कैसा रोशन होता है, खुद को जला के रोशन होना पड़ता। तो तुमसे जिन्नात शैतान डरेंगे जब अल्लाह दिया रो दुआ, तो कहीं पे भी घेर के तुम पे हमला करते। जब अल्लाह चुनता तो अल्लाह फौज देता पूरी और उस हिसाब से तुम्हारी हिफाजत करता हो। बस अल्लाह जब क्या बोलते तो तुम्हारी हिफाजत से ठान लिया पूरी, और अल्लाह जिससे काम ले रहा बोलते ना, सारी दुनिया मिलके जिसको गिराना चाहे और जिसको अल्लाह उठाना चाहे तो पूरी दुनिया मिलके भी उसको नहीं गिरा सकती, और अल्लाह जिसको गिराना चाहे उसको पूरी दुनिया मिलके भी नहीं उठा सकती। कोई दुनिया का बादशाह और कोई दुनिया की फौज, कोई दुनिया का हथियार मिलके भी नहीं उठा सकता उसको, ये खुदा की कुदरत है। तो इसलिए तुमको बार बार मैं ये बोलता हूँ मजबूती से थामो, इन्नमल अमालु बिन्नियात, लोगो इबादत करेंगे तो नीयत से दारोमदार है, उनसे भी मामले का नियत से दारोमदार है, अल्लाह ने पहले फरमा दिया। इसलिए अमलियात की नियत से मत कर पढ़ो कुरान हदीस, अल्लाह के लव में अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ो, तो फिर तुमको महफूज रहेगा हर मामला। ए ईश्वर, ए अल्लाह, ए गॉड, ए परमात्मा, अर्थ उसके वास्ते क्या बोलते, तो हम मोहब्बत में पढ़ रहे हैं उसके, तो फिर तुम महफूज रहेंगे उसके वास्ते पढ़ रहे ना तुम, बाकी तुम अमलियात कर रहे इसके नियतों से पढ़ेंगे तो फिर तुमको कुछ भी फैज नहीं मिल सकता, और मार पड़ती पड़ती अब दूसरी बात तुम्हारे क्या बोलते तो बच नहीं सकता। फिक्र करो, इबादत करो, तुम्हारे ढाल बन के बचाती, मगर अल्लाह के लॉ में औलिया अल्लाह की जो मोहब्बत है, फिर अल्लाह से वो इस चीज़ ना, फिर पहले से फरमा दिया ना उन्होंने कि मेरे औलिया अल्लाह की जैसी इबादत भी कोई नहीं कर सकता, मेरे औलिया अल्लाह की जैसी मुझसे मोहब्बत भी कोई नहीं कर सकता, और उनके जैसा कोई मुझसे डर जो अल्लाह से डरते सही मानूंगे तो वो औलिया अल्लाह ने पहले से फरमा दिया। बाकी तुम नहीं मानेंगे तो किसका क्या जाने वाला है, हजारों साल तुमने तो उतने सजदे भी नहीं करे, तुमने तो उतने नमाजा भी नहीं पढ़े, तुमने तो उतनी इबादत भी नहीं करे जितनी इबादत इबलीस ने करा था। बताओ कौन से मुफ्ती ने उतनी इबादत करा, कौन से खारी ने उतनी इबादत करा, लास्ट में क्या दर्जा मिला उसको नाफरमानी की वजह से। बस तो इसलिए अल्लाह से मैं तुम सबके हक में दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह तुमको शिर्क से, बिद्दतों से, सब चीज़ों से बचाए बचाए बचाए, और ये अल्लाह बुजुर्गान दीन की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाले, क्योंकि आले रसूल औलाद अली से मोहब्बत करना तुम पे वाजिब बोलेंगे तो भी फर्ज भी बोले तो चलेगा, अगर तुम मौज रखेंगे दिल के अंदर ज़रा भी तिल बराबर तो तुम्हारा सब बर्बाद हो जाता। इबादतें तुम्हारी, मुफ्तियत तुम्हारी, खारियत तुम्हारी, बुखारियत तुम्हारी, सब बर्बाद, गए जहन्नुम का ईंधन बन गए फिर, क्योंकि तुम कितने भी सजदे कर रहे, तुम कितने भी इबादत कर रहे, सब रद्द करा देता अल्लाह एक झटके के अंदर जला लगा। तो पहले फरमा रहा ना, मैं क्या बोलूँ, पढ़ो ना, जो मेरे औलिया अल्लाह के बारे में बुग्ज़ रखता तिल बराबर तो उनसे अल्लाह फरमाता जन्म का ऐलान करता हूँ खुले आम, और अल्लाह चाहे जिसे वैसा नमाज दे, और चाहे जिसे जो चाहे वो दे दे, और चाहे जिससे जो काम ले ले, क्योंकि देखे ना खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, मूसा और खिज़र का वाक़या पढ़ो समझ में आ जाएगा, वलायत क्या रहती और पैगम्बरी क्या रहती। दाऊद अलैहिस्सलाम और आसिफ बिन बरखिया का वाक़या पढ़ो, कुरान से साबित है, पता चल जाएगा वलायत क्या रहती और पैगम्बरी क्या रहती, पढ़ो ये सब तो पता चलेंगे ना। तुम अपने मन माना करेंगे तो किसका क्या जाएगा बाबा, क्या करेंगे, सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाओ। और ये जो है ये खुद ब खुद जाने वाले किस्म में का नहीं है, लातों के भूत हाथों से नहीं मानते, ये बहुत इनको परेशान करता और बहुत परेशान करने वाला है इनको, तो उसको मारने का और ख़त्म करने का जो अभी तरीक़ा है बताऊँगा, उसे घर से जाकर वो इस तरीके से अमल करो, अल्लाह करम सब कटेगा। बाकी वो अंदर दवा जो बैठी रहती है, लोग चिमक का सा लोहे को खींचता वैसा उन्हें वारों को खींच खींच के बुलाती अंदर, छूट के तुम उसको बाहर निकाल के फेंकी थी, फिर उसको बुला के नहीं, वो तरीके से कैद करें अल्लाह ताला, वो सब राज है तुमको नहीं मालूम, तो डिफिनेशन, बट जैसा बताऊँगा उस तरीके से अमल करो, अल्लाह ताला सबकी उम्र पर एक दुरुस्त में बरकत अता फरमाए, सबको हिदायत दे और अहदिना सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कौन से गाँव से आए थे? बालकुंडा, और तुम्हारे निजामबाद डिस्ट्रिक्ट, चलो रोक दो।